कैदखाने में तो मेरा सब कुछ है नाथ, मेरे भगवान यहाँ, मेरे ठाकुर यहाँ। लेकिन दुश्मनों ने तुम्हें यहाँ आने कैसे दिया? वो राजपूत है और पुरोहितान ही तो, उन्होंने आपसे मिलने की मुझे आज्ञा दे दी। मुझसे मिलने की आज्ञा दे सकते लेकिन मेरा हक मुझे नहीं दे सकते। अगर आप उनकी आज्ञा पर चले तो शायद वो आपको सब कुछ दे सकते हैं। मैं उनकी आज्ञा पर चलूं? मैं उनके सामने सर झुका दूं? तुमने कभी सूरज को जमीन पर उतरते हुए देखा है देवी? क्रोध न कीजिए नाथ। रणवीर का सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। राजपूत के लिए रणभूमि की मौत जिंदगी है, आप खुशामदी की जिंदगी मौत। वो खुशामद नहीं चाहते हैं नाथ, वो तो सिर्फ हमारे गांव से लगान चाहते हैं। उसके बाद आप फिर अपने किले के किलेदार बना दिए जाएंगे। हाँ, वो हमें खरीदना चाहते हैं लेकिन हम बिकना नहीं चाहते। हमने लगान कभी नहीं दिया और अब लगान देकर अपनी आन गंवाना नहीं चाहते। उनकी ताकत ज्यादा है तो हमारी हिम्मत ज्यादा है और वो दोनों को आजमा चुके हैं। नाथ दया कीजिए, मुझे आपकी जिंदगी चाहिए, मुझे आपका सहारा चाहिए, इन आंसुओं को पूछने के लिए आपके हाथ चाहिए। देवी, राजपूत को आंसुओं के जंजीर में न बांधो। मौत राजपूत को मिठाती नहीं, उसकी राहों में जीवन की चिराग जलाती है। मुझे इतनी शांति तो है कि मेरा चिराग जलाने वाला आ रहा है। आपको कम से कम उसके लिए जीना चाहिए नाथ, राजनीति से ना टकराइए, महाराज का हुक्म मान लीजिए। वो मुझे क्या कहेगा कि बाप ने मौत के डर से अपनी जाति को बेच दिया, अपने देश की छाती पर दुश्मन के घोड़े दौड़ा दिए? नहीं, हरगिज नहीं देवी, हरगिज नहीं। मैं अपने होने वाले बच्चे की नजरों से गिरना नहीं चाहता। जाओ जाओ देवी, जाओ नाथ, जाओ नाथ। जुर्म साबित हो चुका है, मुझे बागी समझ लिया गया है, फैसला महाराज ने महफूज कर लिया है और फिर मुझ पर दबाव डाला जा रहा है कि मैं अपने ख्याल का इजहार करूं। ये अच्छी राजनीति, सोचा जा चुका है कि जबान काट ली जाएगी लेकिन हुक्म दिया जाता है कि मुझे बोलना होगा। मैंने बगावत की, लगान रोका, सरकारी सिपाहियों से जंग की, किले पे कब्जा नहीं होने दिया, सब कुछ किया लेकिन क्यों? कौन कह सकता है कि अजय गढ़ के किले पे हमारे पुरखों का अधिकार नहीं? कौन कह सकता है कि हमारे गांव का लगान हमेशा हमेशा के लिए माफ नहीं किया गया? मैंने लोगों की जानें बचाई, मैंने किसानों का खेत बचाया, गरीबों की आबरू और औरतों की इज्जत बचाई,
कौन मुझे बागी कह सकता है? कौन? हम कहते हैं कि भरे दरबार में तुम्हारी ये जोशीली बातें खुली हुई बगावत का सबूत दे रही हैं। आप सब कुछ कह सकते हैं, आपको सब अख्तियार, आप दोस्त पर बगावत का इल्जाम लगा सकते हैं और दुश्मन पर भरोसा कर सकते हैं। रणबीर, जबान से तलवार का काम न लो। राजपूत की जबान तलवार से कम नहीं होती महाराज। लेकिन तुम्हें दरबार की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए ठाकुर। खुशामद का नाम इज्जत नहीं है महामंत्री। राजपूत को सच बोलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्या आपने रणवीर को इन ठाकुरों में से समझा है जो महाराज को सलाम करने के सिवाय और कुछ नहीं जानते? रणवीर, तुम हमारे वफादारों पर इल्जाम लगा रहे हो। ये हमारे आसमान के सितारे हैं जो हमारी ही रोशनी से चमकते हैं, मगर तुम्हारी तरह टेढ़े होकर नहीं चलते। समय बता देगा महाराज। जब सूरज डूबने लगता है तो हर तरफ से दबे हुए सितारे एक एक करके किस तरह उभरने लगते हैं। खामोश हो जाओ रणबीर, तुम हजारों तलवारों को एक साथ ललकार रहे हो। अपनी बहादुरी का गलत इस्तेमाल न करो। अपने हक के लिए आवाज बुलंद करना कोई गलती नहीं। तुम किसके खिलाफ आवाज उठा रहे हो जिसके सामने फैसले के लिए लाए गए हो? फैसला राज सिंहासन पर बैठे हुए राजा नहीं करते, फैसला वक्त करता है महाराज। वक्त फैसला कर चुका। हम तुम्हारे सारे एजाज वापस लेते हैं और ऐलान करते हैं कि अजयगढ़ के किलेदार आज से तुम नहीं ठाकुर बलराम सिंह। बागी की सजा मौत है महाराज, बागी की सजा मौत है। रणवीर की मौत अकेली नहीं आती। तुम समझते हो इन जंजीरों में चकरने से रणवीर तुम्हारे सामने सर झुका देगा? नहीं, रणवीर का सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। बहादुरों की बहादुरी को ललकारना अपनी मौत को आवाज देना है। रणवीर, ये क्या गलत किया? ये क्या किया तुम लोगों ने? किसने कहा था तुमसे इसका सर काट लेने को? राजपूतों की नजर में तुमने हमें जलील कर दिया। कायर बुजदिल, खुले हुए शेर से मुकाबला करने की किसी में हिम्मत न थी, मजबूर देखकर उसको कत्ल कर दिया। रणवीर सिंह, हम तुमसे बहुत शर्मिंदा हैं। हम तुम्हारा सर काटना नहीं झुकाना चाहते थे। इन बुजदिलों ने तुम्हारा सर काट कर हमारा सर हमेशा के लिए शर्मिंदगी से झुका दिया। रणवीर, तुम एक बहादुर थे और हम तुम्हारी बहादुरी को सलाम करते हैं। संग्राम सिंह, क्या हुआ? महाराज के फैसले से पहले ही लोगों ने उन्हें कत्ल कर दिया। राजकुमार से कुल का नाम रोशन। राजकुमार, राजकुमार अखंड चक्रवर्ती हो महाराज। महामंत्री, खजाने की मोहर तोड़ दो, नगर में खुशी की बरखा बरसा दो। आज हमारे राज में कोई दुखी न रहे। जो आज्ञा महाराज। ठाकुर, शक्ति देवी से कहिए के गांव चलने की तैयारी करें। देवी सफर के काबिल नहीं ठाकुर, उसे थोड़े दिन और यहीं ठहरना होगा। ठहरना होगा? हाँ। क्यों? राजकुमार के आने से पहले एक गरीब का बच्चा इस दुनिया में आ चुका है, उसके रोने की आवाज तुम नहीं सुनते? सुन रहा हूँ। राहू की दशा अच्छी नहीं है महाराज। आज में घर में शनि पड़ता है, माँ बाप के लिए ठीक नहीं है। कोई उपाय? हाँ, कुंवर को महारानी के पास से हटा लीजिए, बच्चे को माँ का दूध ना दिया जाए। और आठ वर्ष तक महाराज कुंवर का मुंह ना देखें, नहीं तो कुल का सर्वनाश हो जाएगा। ज्ञानी जी, क्रोध से भाग्य की रेखा नहीं बदलती सरकार।
जी, मंत्री जी का हुक्म है कि कुंवर को माँ का दूध ना दिया जाए। दूध ना दिया जाए, क्या कहती है? माँ का दूध पी लिया या माँ बाप ने 8 बरस से पहले उनका मुंह देख लिया तो कुल का नाश हो जाएगा महाराज। महामंत्री, किस्मत के खेल अनोखे होते हैं महाराज। चांद निकला और चांदनी न हुई, चिराग रोशन हुआ और 8 बरस तक अंधेरा। अब कौन है जो कुंवर का पालन कर सके? राज में कई घर ऐसे हैं महाराज जहां कुंवर जी की सेवा हो सकती है। हमें कुंवर के लिए आसरा नहीं चाहिए, एक ऐसा घर चाहिए जहां से तारा सूरज बनकर निकले। शेर के बच्चे को शेरनी का दूध चाहिए, किसी मामूली औरत का नहीं। ऐसी औरत तो सारे राज्य में एक ही है महाराज, जिसने अभी अभी एक बालक को जन्म दिया है। किस जात की है? बराबर की है, छत्रानी है। कौन है वो? स्वर्गवासी रणवीर सिंह की धर्मपत्नी। महामंत्री, वो महाराज के दुश्मन की पत्नी है। हम कुंवर को दुश्मन के हवाले नहीं कर सकते। जिस दूध में दुश्मन का जहर हो वो दूध कुंवर को नहीं पिलाया जा सकता महाराज। हम दुश्मन पर भरोसा नहीं करते। दूध का असर खून में भी होता है। बेटा बाप का दुश्मन होकर जवान हो ये हमें मंजूर नहीं। बच्चे की जान पर बनी है और तुम लोग पुरानी दुश्मनी को लिए बैठे हो। भगवान की लीला कौन जानता है, जो नागन अपने बच्चे को खा जाती है वो आदमी के बच्चे पर छाया भी कर सकती है। तुमने हमें मुश्किल में डाल दिया महामंत्री। दिल झुकता है मगर दिमाग झुकने नहीं देता। कुंवर रो रहे हैं महाराज। हाँ, कुंवर को कपड़े में लपेट कर हमारे पास ले आओ। जो आज्ञा महाराज। क्या शक्ति देवी यहीं ठहरी हैं? आप कहाँ से आए हैं, क्या काम है? हम यहीं के रहने वाले हैं, बच्चे के बारे में कुछ काम है। अच्छा, आप ठहरिए। आप जा सकते हैं। आई, आप क्या चाहते हैं ठाकुर? हम अपने बच्चे के लिए दान चाहते हैं देवी। दान? आपने देर कर दी ठाकुर, मैं इस नगर में आकर खुद लुट गई हूँ, दान देने वाला ही नहीं रहा। हमें आपकी दुख भरी कहानी मालूम है देवी। भगवान आपके बच्चे को सलामत रखें। उसका थोड़ा बचा हुआ दूध इसे भी दे दिया कीजिए। हम अपने बच्चे को पाल नहीं सकते। क्यों ठाकुर, मेरे बच्चे के पिता को महाराज का अत्याचार खा गया, तुम्हारे बच्चे की माँ तो सलामत है ना? भगवान सलामत रखे, माँ तो जिंदा है मगर बच्चे को दूध नहीं पिला सकती और ना बाप 8 बरस तक बच्चे का मुंह देख सकते। क्यों? राजज्योतिषी ने कहा है। महामंत्री, तो ये तुम हो राना? पहले खुले बंदो जीवन पर डाका डालते थे, अब भेष बदल कर जीवन की चोरी करने निकले हो? ऐसी बात नहीं है देवी, हम तो भिखारी बन के आए हैं। करो न करो, बच्चे को आसरा दो। मैं कौन होती हूँ किसी को आसरा देने वाली? दूसरों का आसरा तोड़ने वाला दुनिया में खुद बेआसरा हो जाता है राणा। हम जानते हैं एक राजपूतनी का दुखा ज्वालामुखी से कम नहीं होता, लेकिन लोग ज्वालामुखी पर भी फूल चढ़ाने आते हैं। हमने अपना फूल तुम्हारे चरणों में रख दिया। कुंवर ने अब तक दूध नहीं पिया है देवी। बालक वापस ले जाओ राणा। जिस बाप को अपनी आशाओं का खून निचोड़ कर दे दिया उसके बच्चे को दूध नहीं दूंगी, हरगिज नहीं दूंगी। बच्चा तुम्हारी ममता को पुकार रहा है। मैं बहरी हो चुकी हूँ। बच्चे देश की अमानत होते हैं और नगरवासी नगर की अमानत नहीं मिटा। बहादुर भी अपनी जाति का अमानतदार होता है राणा, और तुमने अपने अमानतदार को बेगुनाह मिटा दिया है। जो कुछ हम नहीं चाहते थे वो हुआ, गुजरी हुई कहानी न दोहराओ, बच्चा मर जाएगा। मैं मजबूर हूँ। अच्छा, तो हम दम तोड़ने के लिए इसे यहीं छोड़े जाते हैं, समझेंगे बदला चुका दिया, जब मर जाए तो हमें खबर दे। राणा, मैं राजपूतनी। बालक की हत्या तुम कर रही हो, दुश्मन हम हैं, हमारे बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम्हें बदला चाहिए तो हम मौजूद, लेकिन अगर घर आए हुए निर्दोष बालक को तुमने वापस लौटा दिया तो हम आज से अपने को राजपूत कहलवाना छोड़ देंगे। चुप कराओ। बच्चा हमसे चुप नहीं हो सकता, तुम क्या जवाब देती हो देवी? बच्चा रो रहा है, बच्चे को चुप कराओ। आ, 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 आ,
राजा नहीं जो छीनता है, मैं माँ हूँ जो लुटाती है। वाकई तुम माँ हो, तुमने मेरे बच्चे को जीवन दान दिया। परमात्मा तुम्हारे बच्चे पर सदा अमृत बरसाए। देर हो गई, तलवार सीखने का समय हो गया। विजय उठो बेटा, उठो। माँ। ठकरायन। कौन? मैं आपके राज्य का महामंत्री हूँ देवी, मुझे महाराज ने भेजा है। महाराज ने भेजा है? तो क्या 8 वर्ष पूरे हो गए? हाँ देवी, समय पूरा हो गया। आप जिस दौलत की रक्षा कर रही थी उसे हंसी खुशी लौटाने की घड़ी आ गई। तो सपना टूट गया। 8 वर्ष तक इस चिराग से ये घर रोशन था, उसे आप यकायक लेने आ गए। मजबूरी है देवी, शायद महाराज भी अभी राजकुमार को नहीं बुलवाते, मगर इस चिराग की रोशनी से सिर्फ 1-2 घर नहीं सारे देश को रोशन होना है। मजबूरी ना होती तो आदमी देवता ना बन जाते। पधारिए मंत्री जी, मैं राजकुमार को अभी तैयार किए देती। आओ बेटा आओ। इंतजार के 8 वर्ष कम नहीं होते देवी। औलाद को देखने की तमन्ना में महाराज और महारानी ने ये दिन बड़ी बेचैनी से गुजारे। महाराज ने अपने हाथों से विजय को मेरे हवाले किया था। मैं समझ रही थी वो बच्चे को लेने खुद आएंगे। वो खुद ही आने वाले थे, मगर सोचा बाद में कोई ये ना कहे कि महाराज दबाव डालकर अपने बच्चे को ले। महाराज ने गलत सोचा। ना तो उनके डर से मैंने बच्चे की देखभाल की है, ना उनके डर से बच्चा मैं उनके हवाले कर। महाराज ने कुमार को तलब नहीं किया, आपसे दरख्वास्त की। मंत्री जी, मैं कुमार को रोक नहीं सकती, मगर दूध पिलाने वाले का भी तो कुछ अधिकार होता है। महाराज ने वो अधिकार आपको दे दिया है, उनका फरमान है। आपको धन्यवाद दी है और अजयगढ़ का अधिकार राज्य में पहला माना गया है। हुक्म है कि सरकारी सेना अजयगढ़ में कभी नहीं ठहरेगी और अजयगढ़ का लगान माफ किया गया है, इस पर महाराज की दस्तखत। मंत्री जी, मैंने कुमार को दूध पिलाया है, बेचा नहीं। महाराज जीवन का दाम एक कागज से देना चाहते हैं। मैं इस कीमत को अपने विजय पे कुर्बान करती हूँ। ये क्या किया आपने? शाही फरमान को चाक कर देना उसकी तौहीन है। और ममता की तौहीन मंत्री जी, कोई तौहीन नहीं। बच्चे को ले जाइए और महाराज से कह दीजिए कि उनकी कीमत का शुक्रिया। जाओ विजय, जाओ, तुम मेरे कोई नहीं, मगर मेरे खून से पले हो। मेरी जीवन के हर सांस के साथ तुमने सांस लिया है। मुझे भूलना नहीं बेटा, मुझे भूलना नहीं। जाओ बेटा, जाओ। विजय, अब कब आओगे? विजय, जब माँ बुलाएगी। जाओ बेटा, देर हो रही है। सोच रहे हो? अरे मैं पूछती हूँ, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। हाँ, तुम्हारा भाई चला गया इसीलिए तुम चुप हो। हाँ, मैं अकेला रह गया। मैं भी चली जाऊंगी। कहाँ? कहीं भी। क्यों? तुम चुप जो रहने लगे हो, किसी से बोलते भी नहीं, अब मेरे घर आके दूध भी नहीं चुराते। तो फिर मैं भी चला जाऊंगी। कहाँ? कहीं भी। मैं तुम्हें जाने थोड़ी ही दूंगी। क्यों? तुम चले जाओगे तो मैं अकेली रह जाऊंगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। कहाँ? जहाँ तुम चलोगे
फिर चुप हो गए ना? सच कहती हूँ, तुम ऐसे बैठे हो लगता है कि लाटू का बाप जुए में हार के बैठा है। क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं। जमाना खराब है, दवा नहीं देना जी, दवा नहीं देना। लाटू सिंह तुम और वो कहाँ हैं गोरी? मोहब्बत तुम करते हो और पूछते हो मुझसे, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे थे? भाई साहब, जिस फेर में तुम हो आजकल उसी चक्कर में मैं हूँ। लेकिन गोरी को तो मैं चाहता हूँ। हाँ, ये मैं जानता हूँ कि शेर शिकारी खाता है घास नहीं। जैसे तुम गोरी से प्रेम करते हो, मैं अपनी तानी से। अच्छा, प्रेम तानी से करते हो और पीछे हमारे घूमते हो? नहीं समझे, बात ये है कि जो मैं तुमसे सीखता हूँ अपने आप पर आजमाता हूँ। वैसे तो मामला सब ठीक है, मगर जरा बोलने में मार खाता हूँ। बस ये कमजोरी दूर करने के लिए छुप छुप के तुमसे बोलना सीखता हूँ। ठीक है, सीख जाओ। अजीत अजीत। अच्छा लाटू सिंह, मैं चलती हूँ। कहाँ जाते हो? कहाँ जाते हो? बोलना मत, बहुत जोर बोलना मत। जाते हो मगर बोलना मत, तलवार लेकर। अजीत अजीत गया। तलवार लेकर गया। कहाँ गया? पता नहीं, ऐसा किया बोला नहीं कुछ। अच्छा हाँ, तो फिर तुम ऐसे चले जाओ। मैं कहाँ जाऊँ? तानी के पास। तानी तो बाप को दवा पिला रही है, मैं क्या करूं अकेला वहाँ? उसने बोला कि बोलना सीख के आओ, फिर आने दूंगी। अभी तो मैं सीखा ही नहीं सीखे नहीं। तो फिर कल फिर आना। कल? हाँ। तुम आओगी? हाँ, हम दोनों फिर गाना गाएंगे। अच्छा, आज करण सिंह के आदमी फिर गांव में दिखाई देते। अच्छा, तो फिर सरकारी खजाना भी जरूर आ रहा होगा। जरूर होगा। चलो उनका पीछा।
जान प्यारी जिनको हो जान प्यारी वो सामने ना आए जिनको हो जान प्यारी वो सामने ना आए वो सामने ना आए वो सामने ना आए वो जी दुश्मन है खुद ही अपने दिल की लगी के मारे दिल की लगी के मारे दिल की लगी के मारे ओ जी दिल की लगी के मारे भरते हैं खुद ही तारे इल्जाम है ये हम पर करते हैं हम जफाए इल्जाम है ये हम गजब हो गया शाही खजाना फिर लूट गया हम लोग बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आए हैं और ये खजाना फिर अजयगढ़ की सरहद पर ही लूटा गया होगा जी हाँ तो शायद अजयगढ़ वाले रणबीर सिंह का बदला लेना चाहते हैं जब तक स्वर्गवासी पिताजी जिंदा थे तब तक तो उनकी हिम्मत ना हुई खैर करण सिंह अजयगढ़ के सूरमाओं से निपटना जानता है हमें जल्दी बंदोबस्त करना होगा पिताजी राजपूतों की तलवार रणभूमि में घिसती है आपकी सारी तलवार पत्थर पे घिस गई बेटा तलवार के घिसने की दो ही जगह है पहले पत्थर हाँ। और बाद में दुश्मन के अंदर पिताजी तो आपके दुश्मन अभी तक जिंदा हैं जब तक मैं जिंदा हूँ जब तक वो नहीं मरता पड़ा हुआ एड़ियां रगड़ रहा है इसी का दुख है कि कहीं बदला चुकाए भी ना उठना जाए उठने न देना पिताजी जब गर्दन उठाए रख के दबा देना शाबाश बेटा आखिर औलाद किसकी हो उठो उठो मेरी जूती पहनो
नहीं पिताजी, पुरानी जूती देके टाल रहे हो, नई जूती नहीं ले दोगे? अरे मैं नहीं भी ले दूंगा, पहले ये तो पहन। ले ये भी पहन, चल जल्दी चल के दिखा। काटती तो नहीं? पाँव में आने के बाद बोला काट सकती है पिताजी। बस तो फिर काम बन गया। क्या मतलब? बुजुर्गों ने कहा है कि जब बाप की जूती बेटे को पूरी आ जाए तो वो बेटा नहीं रहता। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? अगर माताजी जिंदा होती तो आप ये कभी ना कहते। भला बताइए कभी कह सकते थे? अरे रोता क्यों है, मैं ठीक कहता हूँ। बराबर का बेटा दोस्त होता है। मिला हा? अच्छा अब हम दोस्त हो गए। हो गए। मेरा एक कहना और याद रखना, ये भी बुजुर्गों की नसीहत है। फरमाइए फरमाइए पिताजी, बल्कि सारी नसीहतें आज ही कह डालिए, फिर समा मिले न मिले। बेटा? बेटा नहीं पिताजी, दोस्त दोस्त। दोस्त अव्वल तो प्रेम करना नहीं। प्रेम करता ही कौन है पिताजी, हो जाता है हो जाता है। अच्छा अगर हो जाए तो सात घर छोड़ लेना। क्या कहा? सात घर छोड़? जैसी आ गया पिताजी। शाबाश शाबाश। अच्छा मैं अब अपने दुश्मन को देखा हूँ, कहीं मर तो नहीं गया। सात घर छोड़कर प्रेम करना? सात घर? पहला घर रमेश सिंह ठाकुर, दूसरा घर जो सिंह ठाकुर, तीसरा घर भाई जोधा भाई। कहो ठाकुर। आओ अंदर आओ। अब क्या हाल है चौधरी? जी रहा हूँ संग्राम। बस जीते ही रहना, बदला चुकाए बिना मर जाना राजपूत की शान नहीं। तुम्हारे ताने तो मुझे मरने भी नहीं देते संग्राम। इसीलिए तो रोज खैरियत पूछने आता हूँ, और जिस दिन तुम्हारे खांसने की आवाज नहीं आती खिड़की से झांक कर देखता हूँ कि दिया तो जल रहा है ना। फिक्र न करना ठाकुर, पैसे की जरूरत हो तो मांग लेना, हवेली बेच कर लगा दूंगा तुम्हारे इलाज पर, लेकिन बदला चुकाए बिना मरने न दूंगा। अच्छा कल फिर आऊंगा। ठाकुर का कलेजा पत्थर है, मैं जिंदगी भर की कहानी भूलता जा रहा हूं, और ये एक ही बात दिल में लिए बैठा है। चिंता न कीजिए बापू, ठाकुर वैसे जरा खिसके हुए हैं लेकिन दिल के अच्छे हैं। क्या अच्छा है जब नंगी तलवार लेकर मेरे घर में आता है तो जी जाता है उसी की तलवार उसके कलेजे में फूंक दूं, मगर तेरी वजह। ये साथ बापू साथ घर छोड़ दिए, अब चल बेटा लाटू, मैदान खाली है। ये आठ? अरे वाह रे वाह, मेरे जवाब नहीं, क्या ठीक घर बताया है, घर कितना खूबसूरत है, तो इस घर में रहने वाले कितने खूबसूरत होंगे। अकेली कहाँ जा रहे? जिंदगी आंखें मलने लगी है, शमा की दिल में जलने लगी है, जला के बुझा नहीं देना, जमाना खराब है, दगा नहीं देना जी, दगा नहीं देना। और भी कुछ कहेगा? आगे क्या कहूँ, उसके बाद अजीत और गोरी ने गाना ही नहीं गाया, मुझे बुलाया भी था गाना सीखने के लिए, मगर आजकल बारादरी पे कोई आता ही नहीं। तो फिर तू काहे को आया? एक खुशखबरी सुनाने। क्या तेरा बापू मर गया? नहीं वो तो हटा कट्टा है, मटका दूध का पीता है, माँ मर गई थी उसको भी बहुत दिन हुए। तो फिर खुशखबरी काहे की सुना रहा है? बापू ने तुझसे प्रेम करने की आज्ञा दी है। ये तो मैं पहले से जानती हूँ। पहले से जान? हाँ, हाँ। तेरा बापू जरा खिसका हुआ है, तुझे मेरे पीछे लगा दिया है और खुद नंगी तलवार लेके मेरे बाप की जान लेने आता है। क्या मतलब? मतलब यही कि किसी जमाने का बदला चुकाना चाहता है, कहता है हवेली बेचकर इलाज पर लगा दूंगा लेकिन मारूंगा जरूर। नहीं 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 नहीं, उसको घर गिनने में गलती ही होगी, वो सातवां घर समझ के आता होगा। अब मैं समझा दूंगा कि तेरा घर आठवां है। तू क्या समझाएगा? समझा देना कि हवेली बेचकर अपने पागलपन का इलाज करे
और फिर मेरे बाप का इलाज करवाना। अरे वो तो इलाज करते रहेंगे, मगर तू तो मेरा इलाज करती जा। आई नाम क्या पूछते हो? काम देखो। क्यों, कैसी लगी? क्या मतलब, सर फोड़ कर चाहती है मैं तेरी तारीफ करूं? तो क्या हुआ, एक ही में नाम पूछने लगे दूसरी पड़ती तो ठेर हो जाते। चलती जमीन पर है और आसमान सर पर उठाना चाहती। हाँ। दौड़ते हुए आए हैं, रास्ते में कोई दम लेने को भी नहीं ठहरे। आपको यहाँ का रास्ता किसने बता दिया? इसकी बदतमीजी ने। तुमने मुझे पहचाना नहीं? आपकी तारीफ
तारीफ क्या होगी, पहले किसी काबिल भी तो हो जाए। ये तुम्हें अभी मालूम हो जाएगा कि हम किस काबिल। ठाकुर साहब, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं, हमसे बात कीजिए। औरतों को डराना राजपूतों की शान नहीं। औरत और तलवार राजपूत की अर्धांगनी है ठाकुर, शायद किसी राजपूतनी से अभी पाला नहीं पड़ा। नहीं नहीं, खेत में अभी एक थप्पड़ खा चुके हैं। अच्छा हाँ। बर्दाश्त की हद होती है। ठाकुर, मेरे उस लड़के के दरमियान से हट जाओ। ये तकलीफ तो आप ही को उठानी पड़ेगी ठाकुर साहब। राजपूत ने हत्तों पर वार नहीं करती। ठाकुर साहब, अब आप तशरीफ ले जाइए। और सुनिए, अपनी अर्धांगनी लेते जाइए, तलवार। राजकुमार की सालगिरह की खुशी में लोगों ने तरह तरह के नजराने पेश किए हैं, लेकिन मैं आज सबसे बड़ा तोहफा देता हूं। मैं राजा की हैसियत से सिर्फ राज की देखभाल किया करूंगा, लेकिन राज का सारा काम आज से राजकुमार संभालेंगे। महाराज, हमारी फुलवारी में बेशक नए नए फूल खिले, लेकिन कांटों की भी कमी नहीं। राजकुमार के सर पर कांटों भरा मुकुट रखना शोभा नहीं देता। राजकुमार की आसानी के लिए रास्ते के तमाम कांटे राज्य के सारे बागियों को कुचल देना पड़ेगा। बागी? हाँ महाराज, हम अजयगढ़ वालों की तरफ से कभी चैन से नहीं बैठे। हमारा किला अजयगढ़ की सरहद पर है, इसीलिए हमें बार बार उनकी चालबाजियों से टकराना पड़ता है। हाल मालूम हो चुका है। वो एक छोटी सी झड़प न थी महाराज, एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत थी। उन्होंने बराबर सरकारी खजाने लूटे और फिर उनका लगान भी माफ। इकट्ठी होती हुई दौलत ने उनकी ताकत इतनी बढ़ा दी कि वो मुझ जैसे किलेदार को भी दबाकर आगे बढ़ना चाहती, और वो दिन दूर नहीं जब वो राज्य से एक बड़ी टक्कर ले सकें। उस गांव ने राजकुमार को दूध का दान दिया है। अमर सिंह और दूध का दान देने वाले खून की नदियां नहीं बहा सकते। अभी पानी सर से ऊंचा नहीं हुआ महाराज, ऐसा ना हो कि तूफान का बढ़ता हुआ जोर सारे बंद को बहा ले जाए। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, मैं खुद जाकर देखूंगा। मेरे सामने जो हवा सीधी चल रही थी, मेरे आने के बाद इस तरह क्यों बदल गई? कुंवर का वहां जाना ठीक नहीं महाराज, ठहरे हुए पानी और बदले हुए दोस्त का कोई भरोसा नहीं। चलता हुआ पानी रुक सकता है करण सिंह, दोस्ती के तरफ बढ़ते हुए कदम नहीं रुक सकते। मैं वहां जाऊंगा महाराज। जरूर जाओ, मगर थोड़ी सी सेना भी अपने साथ ले जाओ और रोजाना मुझे इत्तला भेजते रहो। सेना साथ लेकर जाना किसी तरह मुनासिब नहीं महाराज। राजनीति अपनी मसलहतों को ज्यादा बेहतर समझती है। टीरा सिंह, तुम भी राजकुमार के साथ जाओ। जो हुक्म अंधाता। गांव तो अब करीब है, बेहतर यही है कि खैमे यहीं लगा दिए जाएं। हाँ हाँ, जैसी आज्ञा सरकार। ठीक है। चाह रही थी बहन कि बात तुम छेड़ो, लेकिन क्या करो, पानी सर से ऊंचा हो चला है। गांव वाले दोनों को बदनाम करने लगे हैं। कहने वाले की जुबान किसने रोकी है बहन? लोग तो भगवान को भी बुरा भला कहते हैं। भगवान मालिक है, सुने ना सुने उनकी मर्जी, हम अपनी बदनामी किस दिल से सुने। सच पूछो तो अपनी भी यही तमन्ना थी कि गोरी मेरी बहू बनकर मेरे घर आती। अजीत जैसा मेरा बेटा, वैसे तुम्हारा।
आगे जो मुनासिब समझो सो करो। जब तुमने बात मुझ पर छोड़ी है बहन, तो फिर पंडित को बुलवाकर मुहूर्त निकलवा लो। बात पक्की हो गई? पक्की। अच्छा अब मैं चलती हूँ। चाची चाची क्या है रे? अजीत भाई कहाँ है? क्या बात है? सरकारी सेना आ गई है चाची, गांव के पश्चिम की तरफ पड़ाव डाला है। गांव में पड़ाव डाला है? सरकारी सेना गांव में तो ठहरने क्यों नहीं आते ना? अजीत कहाँ चला बेटा? महाराज की सेना हमारे गांव में नहीं ठहर सकती माँ। बेटा हमारे गांव की सीमा में शाही खजाना कई बार लुट चुका है, शायद किले साहब ने हम लोगों की शिकायत की। तो गया वो कलम के लिखे को तलवार से काटना चाहते हैं। अगर वो दोस्ती की नीयत से आए हैं माँ तो हमारे मेहमान हैं, वरना उनमें से एक भी बचकर नहीं जाएगा। अपनी बात की तरह फिर ना करो बेटा, इस जिद के पीछे मेरा सब कुछ मिट गया है। मैं तुम्हें उनसे लड़ने ना दूंगी। दुश्मन के सामने से हट जाना राजपूत के धर्म के खिलाफ है। कौन जानता है वो दोस्त है या दुश्मन? अगर दोस्त होते तो हमारी सीमा पर क्यों आते? अजीत लड़ने के लिए बहुत समय है, वो तेरे बाप को मुझसे छीन चुके हैं, अब वो तुझे मुझसे छीनना चाहते हैं। मेरे दूध का खून ना बना बेटा, चल यहाँ से चले। जब सहना वापस चली जाएगी फिर आ जाएंगे। मुझे मालूम तो करने दो कि वो आए क्यों। नहीं बेटा, दूध का जला छाछ को भूख के पीता है, मैं तुझे यहाँ घड़ी भर बिना ठहरने दूंगी। माँ बेटा मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। माँ मुझे थोड़े दिनों के लिए गांव से बाहर ले जा रही है, क्योंकि यहाँ सरकारी सेना आई हुई है। तो सरकारी सेना तुम्हारा क्या करेगी? मेरा तो कुछ नहीं करेगी, लेकिन माँ डरती है, क्योंकि हमारे पिताजी के साथ ऐसा धोखा हुआ था, तो वो घबराती है कि शायद कलदार ने हमारी भी शिकायत कर ली। तब तो माँ का कहना मानना चाहिए। तुम वापस कब आओगे? जब सेना चली जाएगी। क्या पता मुझे कब दफा हूँ। तो तू क्यों घबराती है? मैं तुझसे मिलने रोज रात को 12 घड़ी पे आया करूँगा। रोज? हाँ रोज। अच्छा मैं जाता हूँ। रोज? रोज। क्या है? अजीत सिंह को यहीं बुलवा लीजिए ना। क्यों आप तक? तेरा सिंह हमें वहां जाना चाहिए। ठीक है, मगर आपने रास्ता देखा है? रास्ता? हाँ। आपको जी राम राम। दरवाजे पे दो सिर का ताला लगा हुआ है। अब क्या होगा तेरा सी? अब क्या होगा? अरे भाई जरा यहाँ तो आओ, ताला लगा के कहाँ गए? भगवान जाने, किसे कहे सुने बिना चले गए। कहाँ गए कुछ पता है? कुछ पता नहीं साहब। कब आएंगे मालूम है? ये भी नहीं मालूम साहब। माफ करें। अच्छा तेरा सी, ये तो बहुत बुरा हुआ। दो चार रोज और ठहर जाए, अगर मिल गए तो ठीक है, नहीं तो चलकर महाराज से कहेंगे मुलाकात ही नहीं। यही तो हम नहीं कहना चाहते थे टीरा सिंह। अब लेकिन क्या करेंगे? खैर चलो। तो चलो।
तेरा सिंह जी सरकार, वो सामने लड़की है ना? कौन सी सरकार? वो देखो, हाँ, हाँ, देख रहे हो ना? हाँ, देख रहा हूँ। जाओ, उसका नाम और पता पूछ कर आओ। वैसे तो कुछ नहीं, बिल्कुल मामूली सी बात है, मगर अब अगर मगर छोड़ो, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? नाम पूछता है, शर्म नहीं आती? अरे जब रखने में शर्म नहीं आई तो पूछने में क्या आएगी? ए भाई, हाँ भाई, नाम पूछता है। क्या काम है मुझसे पूछो? अजी मैं इस देवी का नाम पूछ रहा था। हाँ हाँ हाँ, नाम तो मैं बता ही दूंगा। वाह वाह वाह, अब बताओ सर कौन सा है? सर, सर हाजिर है। और जूता? जूता किसका बताऊं? अपना बताओगे तो उतारना पड़ेगा, आप जितना हो गया। हाँ, ये रहा, ये रहा। देखो कितना चमकता है। अरे बाबा, खाने में मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। बस बस, लगा लो, लगा लो। नहीं, इंसान के लिए इतना ही काफी। देखिए ठाकुर साहब, अब काम की बात कीजिए। नाम बताओ छोरी का। नाम बताओ? हाँ। फिर माफ़। अरे नाम, अरे नाम, तीरा सिंह, क्या हुआ? सरकार, मैं लड़की देख आया, बड़ी सुंदर है। नाम पूछ लिया तुमने उसका? इसी की तो कसर रहेगी सरकार, वो नाम बताने ही वाली थी कि बीच में एक ठाकुर टपक पड़ा। क्या हुआ फिर? उस लड़की को जो करना चाहिए था उसने कर दिया। नाम बता दिया उसने? नहीं सरकार, पहले सर पूछा, फिर जूते लगाए, और कम वक्त में उस पर भी नाम न बताया। बस जूते खाकर आ गए हो, एक लड़की का नाम तक नहीं पूछ सके। लेकिन क्या करते है? तुम यहाँ से जाओ ठेरा सिंह। पिताजी, 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 क्या आफत आ गई? पिताजी, पिताजी, मेरा जूता पहनिए, मेरा जूता पहनिए पिताजी। क्यों, दुनिया में तुझे कोई और बेवकूफ नहीं मिला था जो अपना जूता मुझे पहनाते? पिताजी जूता तो पहनिए, फिर मैं सब बताता हूँ। पहनिए, जल्दी पहनिए पिताजी, जल्दी पहनिए। ये ले आप बता। जरा चलिए, जरा चलिए पिताजी, पिताजी तंग तो नहीं है? नहीं, ठीक है, बता तो सही। पिताजी आप ही ने तो कहा था, जब बाप बेटे के पाँव का नाप एक हो जाए तो वो दोस्त हो जाते हैं। अरे मैंने नहीं कहा था, वो तो बुजुर्गों ने कहा है। आप भी तो मेरे बुजुर्ग हैं पिताजी, आज से हम दोस्त हो गए, मिलाइए हाथ। अब सुनिए पिताजी, गलत सलूक पर आवाज बुलंद करना सरकशी नहीं है। राजपूत का दिल दरबार के बंद किए हुए दरवाजे की तरह तंग नहीं होता। लुटेरे, डाकू और बागियों के लिए दरवाजे बंद कर ही दिए जाते हैं। क्या तुम्हें इनकार है कि तुमने सरकारी खजाने नहीं लूटे? क्या ये झूठ है कि तुमने सरकारी सेना पर छापे नहीं मारे? क्या लोगों ने नहीं देखा कि तुम दरबार में सर झुकाए बगैर चले आए? हाँ, लोगों ने देखा है कि तुम्हारी वजह से राजपूतों की मेहमान नवाजी पर कलंक लगा। जमाने को मालूम है कि सरकारी खजाना किसने लूटा और अजीत ने किन लुटेरों से खजाना छीना। दुनिया अच्छी तरह जानती है कि एक किलेदार ने अपने मतलब के लिए सरकारी सेना को किस तरह बदनाम किया। अजीत सिंह, शायद इसी झूठे अभिमान ने तुम्हारे बाप का सर कटवा दिया था। और कटने पर भी वो सर ऊंचा रहा। मैं आज वही पगड़ी बांध कर आया हूं जो दुनिया में किसी के आगे नहीं झुकी। हाँ, तुम तो नहीं, लेकिन शायद महाराज अभी तक इस पगड़ी को नहीं भूले होंगे। अजीत सिंह, जमाने को इतना पीछे न पलटो कि जमीन की मिटी हुई सुर्खियां फिर से झलकने लगी। महाराज मैं दोस्त बनकर आया हूँ, राजनीति का दबाव सहने नहीं आया। अगर राजनीति भाई से मिलने का भी कोई खराज वसूल करना चाहती है तो मैं मेहमान की हैसियत से नहीं अदा कर सकता। अजीब, तुम यहाँ से ऐसे ही चले जाने के लिए नहीं आए हो। मुझे भाई से मिले बगैर चले जाने का अफसोस रहेगा। महाराज आज्ञा दीजिए, इस बागी को यही खत्म कर दिया जाए। ये नहीं होगा, मेहमान की सलामती राजपूत का धर्म है। मैं अपना धर्म बजा कर लाया हूँ और मेहमान को बचा कर ले जाऊंगा। ये कैसी दीवानगी है करण सिंह? ये रणभूमि नहीं, हमारा दरबार है।
राजपूत की विध को उसकी मौत भी नहीं रोक सकती। तुम अजीत को रणभूमि में लड़ने से रोक सकते हो, लेकिन यहाँ उसे राजकुमार के मिलने से नहीं रोक सकते। हीरा सिंह, अजीत को तुम राजकुमार के पास ले जाओ। जो हुक्म दाता, चलिए। आप तो बहुत बड़े हो गए हैं। वो रहे राजकुमार। विजय, अजीत, अजीत, विजय, भैया, विजय, तुम तो बिल्कुल राजकुमार मालूम होते हो। तुम कितने लंबे हो गए अजीत? बहुत जमाने के बाद हम लोग मिले हैं। माताजी कैसी है? बहुत अच्छी, अक्सर तुम्हें याद करती है। अच्छा, अरे तुम तो बिल्कुल ठीक हो। टीरा सिंह, तुम भी अजीब आदमी हो। तुम तो कहते थे विजय सख्त बीमार है। सरकार, इनको ऊपर की बीमारी नहीं है। फिर शाही बीमारी है जो बड़े लोगों को अक्सर हो जाती है। टीरा सिंह, ठीक है, इसमें शर्माने की क्या बात है? अगर तुम शर्मा रहे हो तो उसी को कहना दो। हाँ टीरा सिंह, बताओ इन्हें क्या बीमारी? क्या बताऊं सरकार, रात को नींद नहीं आती। चांदनी रात में आसमान काला दिखाई देता है और अंधेरी रात में बहुत दूर की सूझती है। खाने पीने से मजबूर हैं, बस यूं यूं उलट सुलट तस्वीरें बनाते रहते हैं। ये ऐसी ही उल्टी सीधी तस्वीरें। विजय, ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है। सच सच बताओ कहां से लगा लाए? अगर ठीक बताओगे तो यही इलाज हो जाएगा। क्या बताऊं अजीत, आखिर कुछ बताओगे या यूं ही ठंडी ठंडी सांसें भरोगे? तुमसे मिलने जब गांव गया था। अच्छा, तुम तो मिले नहीं, किसी और से मुलाकात हो गई। आखिर वो है कौन? तुम्हारे ही गांव की एक पनिहारन है। पनिहारन? चलो ठीक है, आड़े वक्त में कोई पानी देने वाला तो मिल गया। सरकार, पानी भरने वाली है तो क्या हुआ? जो राजा के मन भाई वो रानी का है। ठीक है, मगर उसका नाम क्या है? नाम से थोड़े ही मरे हैं, ये तो सूरत देखकर घायल हुए। बस इतनी सी बात के लिए इस कदर परेशान हो? अरे मेरे साथ चलो, एक लड़की तो क्या गांव के गांव तुमसे ब्याह लूं। भैया, मेरी मोहब्बत का मजाक ना उड़ाओ। अगर तुम मेरे काम ना आ सको तो दीवाने हो गए। मैं तो तुम्हारा दिल बहला रहा था विजय। अगर आजमाना चाहते हो तो आजमा लो। तो फिर सौगंध खाओ कि मेरी खोई हुई जिंदगी तलाश करके मुझे दे दोगे। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूं, अगर तुम मेरी जान भी मांगोगे तो मैं हाजिर कर दूंगा। भैया, विजय, बस अब चलने की तैयारी करो। मां, अंदर आओ। मां, ये देखो कौन आया है। कौन है बेटा? विजय है मां, मैं इसे अपने साथ लाया। विजय, मां, मेरा बेटा। मैं तुम्हारे चरणों में आ गया मां। खुश रहो बेटा, इतनी फुर्सत कैसे मिली जो गरीब मां को याद किया। मैं तुम्हें कभी नहीं भूला मां, पहले भी आया था तो ताला पड़ा था और तुमसे मिले बिना ही वापिस जाना पड़ा। अच्छा अच्छा, सफर से थके हुए आए हो, पहले नहा दो लो, जब तक मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूं। अच्छा मां। और सुनो, मैंने सुना है कि तुम बीमार हो। नहीं तो मां, ये तो बिल्कुल ठीक है। जब तक अच्छे ना हो जो जाना नहीं। जरा गौर से देखो, कहीं इस कुएं में तो नहीं डूबे हो? डूबा तो जरूर हूं, उभरा नहीं। फिर से देखो, शायद उभरने का सहारा भी नजर आ जाए। इनमें से कोई नहीं अजीत, आंखें ढूंढते ढूंढते थक गई, कहीं उसका पता चले। जब तकदीर ही अंधी हो तो आंखें क्या गई। मेरा ख्याल है कि वो इस गांव की लड़की नहीं, कहीं बाहर के गांव से मेहमान तो नहीं है। परदेशियों के चेहरे नहीं छुपते अजीत, उसकी अदाएं बोल रही थी कि हम पराए नहीं। अच्छा, तो गया आपकी उससे बातचीत भी हो चुकी? अजीत, वो देखो, वो है लड़की। तुम्हारी आंखें धोखा खा रही है विजय। मेरी आंखें धोखा नहीं दे सकती, ये वही लड़की है जिसने मेरा दिल मेरे हाथों से छीन लिया है। ये तुम क्या कह रहे? मैं सच कह रहा हूँ भैया, सच कह रहे। मगर कुछ सोच तो लिया होता। मोहब्बत सोचती कहाँ है,
अब तो मैं तुम्हारी अकल से अपनी आंखों की रोशनी ढूंढ रहा हूँ। भैया तुमने मुझे वचन दिया है। हाँ विजय, मैंने तुम्हें वचन दिया था। राजपूत का वचन सच्चा होता है, सच बहुत कड़वा होता है। तो शायद तुम्हें मेरी मोहब्बत पसंद नहीं। अपनी बर्बादी किसे पसंद होती? अपनी बर्बादी? हाँ विजय, मैं अपने भाई को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते कैसे देख सकता हूँ? तो फिर तुम झिझक क्यों रहे हो? और ये लड़की कौन है जो तुम्हारे वचन के सामने दीवार बनकर खड़ी है? ये गोरी है विजय, हमारे गांव की गोरी। मैं इसका नाम नहीं जानता भैया। तो फिर उड़ते हुए पंछी पर तीर क्यों चलाया? निशाना जरा तो ठहरा लिया होता था। क्या इसकी शादी हो चुकी? होने ही वाली थी मगर अब नहीं हुई। मैं अपना वचन पूरा करूंगा विजय, मैं अपना वचन पूरा करूंगा। मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूं कि यह लड़की पन्हारा नहीं है बल्कि अपनी ही जात की राजपूत है। तुम राजधानी वापस जाओ, मैं टीरा सिंह के साथ इसे भेज दूंगा। जाओ विजय, जाओ। भैया मैं शादी की तैयारी कर लूं? हाँ भैया तुम तैयारी करो। तुम्हारे ध्यान से वापस निकल जाओ, ऐसा ही याद करते तो शादी रोक के कभी ना चले जाते। क्या करता गोरी, किसी के दिल ने मुझे पुकारा था। और तुम्हें मेरी तमन्नाएं पुकार रही थी, उन्हें तुमने नहीं सुना? उस दिन से मेरे आंसू नहीं थमते। ऐसा उपशोगन हुआ है, जरा सी आहार सुनती हूँ कांपने लग जाती हूँ। राजपूतनी होकर जिंदगी के दुख से इतना डरती हो? अपनी तकदीर से डर लगता है, न जाने कब को तुम्हें पुकार ले और तुम मुझे तूफान में छोड़ के चले जाओ। जिंदगी इसी हलचल का नाम है कोरी। आंधी आती है, कुछ घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, कुछ दरवाजे खुल जाते हैं, लोग चैन की नींद सोए पड़े होते हैं और उनके घर में डाका पड़ जाता है। ये आज तुम कैसी बातें कर रहे हो, मुझे तुमसे डर लगता है। इसीलिए मैं तुम्हें कहानी सुना रहा हूं ताकि तुम्हारा डर निकल जाए। कहानी? कैसी कहानी? दुनिया की। क्यों सुनाते हो, जिंदगी कोई कहानी तो नहीं? और क्या, एक बच्चा महल में पैदा होता है और एक गरीब की झोपड़ी में पलता है, एक बाप अपना सर कटवाता है, एक माँ अपना खून चुसाती है और एक गरीब अपना सब कुछ लुटा देता है। ऐसी कहानी ना कहो अजीत। गोरी, दुश्मन जब एक दुश्मन के साथ भलाई कर सकता है तो एक भाई को भाई के साथ क्या करना चाहिए? भला? हाँ, खून अपने खून के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। दोनों एक ही माँ का दूध पीकर फले और पड़े, दोनों की आदत एक, दोनों की पसंद एक, दोनों का दिल एक, दोनों एक ही लड़की को चाहते। मगर वो कैसे चाहती है? औरत का क्या, वो तो पत्थर को भी चाहती है। जो उसे जलाता है उसके लिए जलती है, जो उसे मिटाता है उसके लिए मिटती है। औरत जो है मुसीबतों का पहाड़ उठा के भी चुप रहती है और लोग समझते हैं उसका कलेजा ही पत्थर का है। इसीलिए तो लोग पत्थर की पूजा करते हैं, फूलों के हार चढ़ाते हैं। इन दोनों ने भी अपने अरमानों की कलियां उसी के चरणों में रख दी। मगर कौन है वो दोनों? एक गरीब के घर का चिराग, एक राजा के महल का दीपक। ये कैसा दीपक है जो गरीब के चिराग की रोशनी छीन लेना चाहता है? उसने गरीब के आगे हाथ फैलाकर रोशनी की भीख मांगी। गरीब उसे कई जन्म से देता आया, बाप का सर दे चुका है, माँ का दूध दे चुका है,
आज वो अपना बलिदान देना चाहता है अगर लड़की माने। औरत का नाम ही बलिदान का है, कभी हंस के लुटती है कभी रो के। सच्चा प्रेम होगा तो अपनी प्रेमी की बात मान लेगी। तो क्या तुम मान लोगी गोरी? मैं क्या मान जाऊंगी? तुम उससे क्या चाहते हो? बलिदान। बलिदान? हाँ, तुम्हारे अरमानों का खून, तुम्हारी मोहब्बत की कुर्बानी। अजीत, मैं तुम्हें विजय को दे चुका गोरी। नहीं, नहीं, नहीं। बर्बाद न करो, मैं तलवार की धार पे चल सकती हूँ लेकिन इस जगह पे पाँव नहीं रख सकती। अजीत, राजपूत तलवार से नहीं बात से मरता है गोरी। मैं वचन हार चुका हूँ, अगर आज की रात तुम्हारी पालकी न उठी तो कल सुबह यहाँ से मेरी अर्थी उठेगी। अजीत, मैं तुम्हारा यहां इंतजार करूंगा कुमारी। I'm not afraid.
ही रात को समेटते हैं माँ, सुबह को मिट जाते हैं। ये क्या कह रही हो? राजमहल में गरीब लड़की सिंगार किए बगैर कैसे जा सकती है? राजमहल में? हाँ माँ, वो वचन हार गए हैं, उनका यही हुक्म है। वो हुक्म देने वाले कौन होते हैं? मैंने बेटी इसलिए नहीं दी कि नीलाम का जानवर समझकर उसकी बोली लगाए। ऐसा ना कहो माँ, औरत कभी नहीं बिकती। वो अपने वचन से मजबूर हो गए थे। मजबूरी काहे की? मजबूर वो हो गए हैं, तू मजबूर नहीं। तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? लेती माँ, लेकिन उन्होंने कहा है अगर आज रात 12 तारीख से मेरी पालकी ना उठा सके तो भगवान ना करे कल वही उनकी अर्थी उठेगी। गोरी, मेरे बड़े से बच्चे। माँ, मैंने उनके हुक्म पर सच चुका दिया है, अब तुम्हारे हुक्म बस्तर चुकाती हूँ। इस छुरी से वक्त आने पर काम ले लूंगी। अब मुझे आज्ञा दो माँ। पालकी तैयार है? हाँ, रुखसत होने का समय आ गया, पालकी तैयार है। जिसमें जीती जागती लाश जाने वाली है। आज मैंने जाना एक सुहागन की पालकी अर्थी कैसे बन जाती है। ऐसा ना कहो गोरी, तुम्हारा सुहाग अमर, तुम्हें विजय के पास हंसते हुए जाना, यहां से पूछ लो। मैंने तो तुम्हारा कहा मान लिया, मगर यहां की नहीं मानती, तुम ही ने पूछ दो। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। खुश रहो। हिफाजत से ले जाओ। अच्छा सरकार, चलो आगे उठाओ। दिल ही में हसरतें बन
मन खेल हाय बिगड़ गए, घड़ी भर को जो न हुए जुदा, वो सदा को आज बिछड़ गए। चली वो आंधियां आंधियां आंधियां, लड़की तो सचमुच बहुत ही सुंदर है। भगवान तुम्हारी कृपा है, मैं जैसी बहू चाहती थी मुझे वैसी ही मिली। लड़की महारानी को बहुत पसंद आई सरकार। औरतों और बच्चों की पसंद एक जैसी होती है। नहीं सरकार, आप देखेंगे तो आप भी पसंद करेंगे। सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो लड़की बराबर ही की है, राजपूतानी है सरकार। हमें इसी की चिंता थी। चिंता से तो कोई दिल खाली नहीं होता सरकार। एक दिल से निकलती है, एक दिल में कांटे की तरह खटकती है। आपको अब काहे की चिंता सरकार? ये क्या कह रहा है टीरा सिंह? इस खुशी के समय रोना कैसा? क्या कहूं सरकार, खुशी के समय भी आंसू नहीं थमते, गरीब की आंखों में आंसू होते ही ज्यादा है। टीरा सिंह, वो राजा राजा नहीं जिसकी आंखें प्रजा के आंसुओं में डूब न जाए। हम पूछते हैं वो कौन सा दुख है जिसे सिर्फ तू ही जानता है। अंदाता, जान की अमान हो। कहो, अमान है। सरकार, अजीत सिंह अपने हाथ की मेहंदी पोंछ कर कुमार से मिलने आए थे। जब राजकुमार को साथ लेकर अपने गांव लौटे तो मालूम हुआ कि राजकुमार गौरी से प्रेम करते हैं, जिससे अजीत सिंह का लगन होने वाला था। कुमार के लिए उन्होंने अपने आप को जीते जी मिटा दिया सरकार। उन्होंने गौरी को नहीं भेजा है, अपने अरमानों के अर्थी को भेजा है, अपना बलिदान दे दिया है। तुमने हमें पहले इत्तला क्यों नहीं दी? अंदाता, मुझे कुछ मालूम नहीं था। कंवर के आने के बाद गौरी की पालकी लाने के लिए अजीत सिंह ने मुझे रोका था। विदा होते हुए मैंने दोनों की बातें सुनी, तब पता चला। और लोग उसे बागी कहते हैं। बागी लूटता है या लूट जाता है, इतनी बड़ी कुर्बानी। दर्द भरा भर भर आए भर भर आए हो, दर्द भरा Oh,
कैसा सन्नाटा है महाराज। हम डूब चुके हैं महारानी, अब तो हम उन लहरों का सहारा ढूंढ रहे हैं जो उभार कर हमें किनारे पर पहुंचा दी। क्या कोई दुश्मन हमारी सीमा के पास पहुंच गया है? दुश्मन तो हमारे घर में। घर में कौन है महाराज? अपने सबसे बड़े दुश्मन तो हम आप हैं कुंवर। आपका मतलब? एक बहुत बड़ा तूफान आया जिसने सारे समंदर को खंगाल डाला, लेकिन एक आदमी के दरवाजे पर बहुत से मोती और बेशुमार दौलत छोड़कर चला गया। महाराज क्या आप कहानी कह रहे हैं? सुनिए महारानी, इतनी बड़ी दौलत पाकर उस आदमी का लोभ बढ़ गया। सामने उसके दोस्त का घर था। एक दिन उसने अपने दोस्त के घर को आग लगा दी और उसका दोस्त बेचारा आग के शोलों से लड़ता हुआ मारा गया, और वो जला हुआ घर भी उस लोभी के कब्जे में आ गया, और उसके दोस्त की बीवी अपने छोटे से बच्चे को लेकर एक बाग में उठाई। ये कैसी कहानी है महाराज, इससे तो दिल के जलने की बू आ रही है। हाँ, एक दिन वो लोभी अपने बच्चे को लेकर उस विधवा के पास पहुंचा और पूछा, इस बाग के फल कौन खाता है? औरत ने कहा, उनसे मैं अपने बच्चे की परवरिश करती हूँ। लोभी ने कहा, फल खाने का हकदार मेरा बच्चा है, सारे फल इसे दे दो। औरत ने सारे फल अपने दुश्मन के बच्चे को दे दिए और उसका अपना बच्चा आंसू पीकर रह गया। फिर क्या हुआ महाराज? एक दिन उस औरत के घर शहनाई बजी। लोभी फिर पहुंचा, उसने पूछा, ये शहनाई कैसी बजी? औरत ने कहा, मैं अपने बच्चे का लगन कर रही हूं। लोभी ने कहा, जो लड़की तुम अपने बच्चे के लिए लाना चाहती हो वो मेरे बच्चे को दे दो। औरत ने कहा, वो तो मेरे बच्चे की दुल्हन और मेरी होने वाली बहू है। लोभी का बच्चा मचल गया, मुझे यही लड़की चाहिए। रात के अंधेरे में वो लड़की भी दुश्मन के घर पहुंचा दी गई। महाराज वो ऐसा पापी कौन है? हम हैं कुंवर। अपने लोभ के लिए हमने अपने दोस्त रणवीर का सर उतारा, उस पर भी उसकी पत्नी शक्ति ने अपना दूध पिलाकर तुम्हें पाला। उसके बेटे अजीत ने अपनी होने वाली दुल्हन तुम्हारे हवाले कर दी। महाराज अपने लोभ के लिए हम एक एक करके उनका सब कुछ लूटते गए और वो हंस हंस कर अपना सब कुछ लुटाते गए। अजीत तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, महाराज मैं क्षमा चाहता हूं। अच्छा है इस वक्त गौरी हमारे घर में है, मैं अपनी भावच को इस महल से बेहतर विदा करूंगा। शाबाश, एक राजपूत के बेटे से यही उम्मीद की जा सकती थी। अजीत की शादी का शानदार तरीके पर इंतजाम करो और उसको बुलाने के लिए फौरन कासिद रवाना करो। जाओ। राजकुमार आ रहे हैं। राजकुमार आ रहे हैं यहाँ? जी तुम सब जाओ। अब इस पर्दे की क्या जरूरत थी? हमारे महल में आपको कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची? महल में किसी को क्या तकलीफ पहुंच सकती है? जहां सोने और चांदी की गंगा जमना बह रही हो वहां आंसू कौन बहाएगा? आंसुओं का भरोसा न कीजिए, ये खुशी में भी बहते हैं। लेकिन जब खुशी खरीद ली जाती है तो हंसना रोना बराबर हो जाता है। खुशी खरीदी नहीं जाती, ये दिल का सौदा है और दिल की कीमत दिल से अदा की जाती है। लेकिन राजमहल में सच का सौदा झूठ से किया जाता है। जी नहीं, झूठ के लिए कानून सजा तजवीज करता है और वो सजा सच को दी जाती है। छुरी सामने आए हुए मुजरिम के कलेजे में नहीं उतरती बल्कि एक बेगुनाह के खून से रंगीन बन जाती है। फैसला करने में जल्दी न कीजिए, सच हमेशा सच होता है और जीत हमेशा सच की होती है। कासिद अजीत के लिए जा चुका है, तय किया गया है कि आपकी शादी अजीत के साथ। अब मैं आपको इस महल से बहन की तरह रुखसत करूंगा। बहन की तरह? बहन की तरह। गोरी
क्या हो गया गोरी तुम्हें? हमारा इनाम महाराज ने अगर अजीत को बुलाया है तो वो उसका स्वागत ना कर सकेंगे। हमें उनकी खुशी को अजीत की मौत से बदलना होगा। मेरे इशारे का इंतजार करना। बेटा तेरी कुर्बानी ने मेरा सर ऊंचा कर दिया है। मैं जब तक जीऊंगी तुझ पर दास करती रहूंगी। मैं तो कुर्बानी की गोद का पला हुआ हूं मां। हंस हंस कर अपना बलिदान देना मैंने तुमसे सीखा। धन्य हो बेटा। उस गरीब से बढ़कर दुनिया में कौन अमीर हो सकता है जिसने हमेशा राजा को भीख दी हो। सरकार, महाराज ने आपको याद किया है। अब वो मुझसे क्या चाहते हैं? अब मेरे पास क्या रहा जो उन्हें दे दूं? महाराज आपसे कुछ नहीं चाहते। आपको उन्होंने लगन के लिए तलब किया है। लगन के लिए? कब है लगन? दिन अभी मुकरर नहीं हुआ है, आपके पहुंचने की देरी है। तो वो मुझे और आजमाना चाहते हैं। मुझ में अब इतनी हिम्मत है कि मैं अपनी बर्बादियों में हिस्सा ले सकूं। मैं चलूंगा, जरूर चलूंगा। तुम यही कर।
अच्छे गूंजे। इस नमक हराम को अपने किए की सजा मिल गई महाराज। अजीत, एक दिन हमने तुम्हारे बाप की बहादुरी को सलाम किया था, आज तुम्हारी बहादुरी को भी सलाम करते हैं। महाराज, बच्चों की बहादुरी से बुजुर्गों का सर ऊंचा होता है, झुकता नहीं। हम कभी नहीं झुकते अजीत, तुम्हारे बलिदान ने आज हमें झुका दिया। तुमने अपना सब कुछ हमारे वास्ते लुटा दिया, आज हम अपना सब कुछ तुम्हारे वास्ते लुटाने को तैयार। तो फिर अजीत की शादी का जल्दी इंतजाम कीजिए महाराज। मैंने कहा था ना, गोरी को इस महल से बहन की तरह विदा करूंगा। विजय, आज वो समय आ गया है। अजीत, यही तो ताज्जुब की बात है माँ, गए थे दूसरे की शादी करवाने और खुद अपनी हो गई। गौरी, 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 जाने को तरसती है की बस इतनी दास्तां है।